हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। अगर दोस्तों रामजस कॉलेज से अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या एडवांस डिप्लोमा कोर्स हो, तो इन सभी के जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अबाउट SFIL इसके बारे में आपको दिया गया, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ना पढ़ सकते हैं। सिंपली जो है हमें इंटेक कैपेसिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है वन ईयर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स रहने वाला है। फ्रेंच के लिए दोस्तों 185 सीट हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड रहने वाला है। जर्मन के लिए भी 185 सीट्स हैं, स्पेनिश के लिए भी 185 सीट्स हैं और इटालियन के लिए 63 सीट्स हैं। और इसके अलावा ये जो इटालियन कोर्स है ये वन सेक्शन में रहेगा। चाइनीज़ जो रहेगा ये 100 सीट इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। जापानीज़ जो रहेगा ये 100 सीट्स में रहेगा, 2 सेक्शंस रहेंगे। जो कोरियन रहेगा इसमें आपके 100 सीट्स रहेंगी और 2 सेक्शंस इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रेंच में 32 सीट्स हैं, जर्मन में 32 सीट्स हैं, इसके अलावा स्पेनिश में 32 सीट्स हैं, इटालियन में 32 हैं, चाइनीज़ में 50 हैं और जापानीज़ में 50 हैं, कोरियन में आपके 50 सीट्स हैं। ये सारे के सारे कुछ वन सेक्शन के रहेंगे, कुछ 2 सेक्शन के रहेंगे। एडवांस डिप्लोमा कोर्स में फ्रेंच में 32 सीट हैं, जर्मन में भी 32 सीट है, स्पेनिश में भी सेम है, इटालियन में भी सेम है, जापानीज़ में 50 सीट हैं, कोरियन में 50 सीट हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीट की जानकारी दे दी गई है। कैटेगरी वाइज जो रोस्टर रहेगा ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो फ़ीस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास देयर 12th क्लास ऑफ एनी अदर इक्विवेलेंट सिस्टम। प्लीज़ नोट दैट द मार्क ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो है 10+2 अगर कंप्लीट है तो आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और कोई बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो हैं ये यहाँ पे सिस्टम द्वारा जो है जनरेट किया जाएगा, या बेस्ट 4 जो सब्जेक्ट रहेंगे आपको उसको यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें या तो हिंदी या इंग्लिश ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों SC ST और जितने भी OBC या अदर स्टेट के रहने वाले उनके लिए 45% जो रहेगा बेस्ट 4 सब्जेक्ट के लिए 45% है। इंग्लिश के लिए इनमें से जो भी आपका हायर रहेगा वो यहाँ पे कैटेगरी रहेगी, फॉर जो जनरल कैटेगरी रहेगी उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 50% जो रहेगा बेस्ट 4 सब्जेक्ट में रहने वाला, और 45% हिंदी या इंग्लिश में रहने वाला जो भी यहाँ पे आपका हायर रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर 12th क्लास में बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 50% बन रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और हिंदी या इंग्लिश में जो भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा 45% कम से कम आपके जो हिंदी या इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। सेम क्राइटेरिया SC ST OBC वालों के लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है पॉजिटिव जो वेटेज रहेगी 50% की रहेगी, और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव जो वेटेज रहेगी 10% की रहने वाली है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस रहेंगे, आर एडवाइज टू सबमिट ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एनी फॉरन लैंग्वेज कोर्सेज, सब्जेक्ट वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी दोस्तों, इसमें कोई किसी की गारंटी नहीं होती कि आपको उस फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया जाएगा, मार्क्स को वेरिफिकेशन किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, उसी के बेस पे यहाँ पे आप सभी का जो है एडमिशन होने वाला है। एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड रहने वाला है, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। इसके अलावा द एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, किसी भी एक कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, केवल यहाँ पर एक बार ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलिंग मोर देन वन फॉर्म विल मेक द एप्लीकेशन लाइबल टू बी डिस्क्वालीफाई फॉर एडमिशन। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच के लिए दोस्तों, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में, जो ऊपर यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया, उन सभी के लिए यहाँ पे
जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जर्मन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इटालियन में, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जो है दे दिया जाएगा। या फिर अगर आपका कोई गैप ईयर है, जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है उसके बाद आपने डिप्लोमा नहीं किया है, उसके बाद एक साल के बाद आप डिप्लोमा करते हैं, एक साल का आपका जो गैप ईयर है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम रहने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो चार्ज रहेंगे वो यहाँ पे आपको अलग से देने होंगे, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। फॉर डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं CP2 है, JP2 है, KP2 है। इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ एग्जाइटिंग स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इन लैंग्वेज जैसे साइंस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CP1, JP1, JKP2 ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कैटेगरी बताई गई है। तो यहाँ पे आपके जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट यहाँ पे आपको बता दिया गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों ये अलग से यहाँ पे आपको देना होगा, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा जो कोर्स रहेगा दोस्तों इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बस यहाँ पे उस सब्जेक्ट में आपने या उस फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, फिर गैप ईयर है, तो यहाँ पर आप सभी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम रहने वाला है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अनदर चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप फीस का जो स्ट्रक्चर है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए देख सकते हैं, और अगर आपने एक बार अमाउंट पे कर दिया तो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ के लिए 200 रुपये, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कोर्स या लैंग्वेज बताए गए उनके लिए यहाँ पे 200 रुपये रहेगा जो फीस रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स चाइनीज़ के लिए 17,000 प्लस 500 रुपये पर एनम आपकी जो है फीस रहेगी, और 17,000 है, और इसके अलावा 18,500 जो फीस है ये आपका इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन इन सभी के लिए रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपका डिप्लोमा कोर्स के लिए भी देख सकते हैं 17,000-18,500 सेम फीस है, और यहाँ पे जो एडवांस डिप्लोमा कोर्स है इनके लिए भी जो फीस है यहाँ पे सेम दिया गया है। प्लीज़ नोट द एबव फीस पेड इज़ वन टाइम एक्साइज फीस पेमेंट आर सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन फ्रॉम द बैंक, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ फीस एक्सेप्ट इन द केस वेयर द कॉलेज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन्स फेल्स टू मीट हिज अनाउंसमेंट शेड्यूल ऑफ क्लासेस, नो रिक्वेस्ट अंडर एनी कंडीशन वट्सओवर विल बी एंटरटेन टू दिस रिस्पेक्ट। यहाँ पर अगर आपने पेमेंट कर दी या पेमेंट कर देने के बाद कुछ भी उल्टा सीधा होता है या किसी भी एडमिशन के टाइम पर या फीस पे करने के टाइम पर, तो जो अमाउंट रहेगा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर एक किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या रामजस कॉलेज के थ्रू किसी भी शेड्यूल में कॉलेज के थ्रू कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से या क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तो यहाँ पे आप सभी के जो अमाउंट रहेगा तभी रिफ़ंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन में अमाउंट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट जो फीस रहेगी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 रुपये रहेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहेगा इसकी फ़ीस 300 रुपये रहने वाली है, और इसके अलावा जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 घंटे का आपको जो है टाइमिंग मिलने वाला है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड 150 hours ऑफ टीचिंग, द एंट्रेंस एग्ज़ाम फी विल बी चार्ज फॉर द सेम सेपरेटली। अगर यहाँ पे आपने 150 hours टीचिंग में कंप्लीट कर रखा है तभी यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोकॉपी जो रहने वाली है सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको देनी होगी, जिसमें आप सभी की हर एक डॉक्यूमेंट ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो लैपटॉप या जो मोबाइल डिवाइसेस रहेंगी वो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो अपलोड करनी होंगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको देनी होगी, सेल्फी यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो साइज़ रहेगी 1 MB की रहेगी। सिग्नेचर यहाँ पे आपको देना होगा, 1 MB के साइज़ का रहने वाला है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेल्फ 10th क्लास की जो मार्कशीट रहेगी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12th क्लास की जो मार्कशीट है ये भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, SC ST PWD कैंडिडेट हैं, तो आप सभी के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये यहाँ पे आपको देना होगा, 1 MB का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो OBC के स्टूडेंट हैं 31 मार्च 2024 के बाद इनका अगर सर्टिफिकेट इशू हुआ है तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं रहेगा। और 1 MB से ज़्यादा का जो है फाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए। EWS के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, मार्कशीट अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे आपको
सर्टिफिकेट लेवल पे जो कि 1 MB का रहने वाला है, ये यहाँ पे आपको देना होगा अगर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। जिस किसी भी लैंग्वेज में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और एप्लीकेशन एडवाइस टू सबमिट ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुली इन्फॉर्मेशन वन सबमिट वेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिटेड। इसके अलावा द एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर ओनली वंस। किसी एक ही बार में किसी एक ही कोर्स में आप जो एडमिशन ले सकते हैं और अनदर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो एडमिशन रहेगा विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा सर्टिफिकेट सबमिटेड होता है पीयर ऑफ द स्कूल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। डिस्क्लेमर आपको दिया गया है, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के जो क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे जो है 3 बजे से 5 बजे तक एक वीक में थ्राइस यानी 3 बार आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी ये यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट पे जो रहेगा ये यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। क्या डेट्स रहेंगी बता दिया जाएगा बाद में। अटेंडेंस जो रहेगी 67% कंपलसरी है, अगर इससे कम है तो यहाँ पे आपको जो है पेपर में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। एकेडमिक डिसिप्लिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू चेंज सेक्शन। अगर यहाँ पे आपने किसी भी सेक्शन में एडमिशन ले लिया उसे चेंज कराना चाह रहे हैं तो आप नहीं करवा पाएंगे। कॉलेज डिसिप्लिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे रैगिंग होती हैं एंटी रैगिंग फॉर्म जो होते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड आप सभी को मिलेगा, DTC बस पास जो ये सब आप सभी को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया एडमिशन टू द SFL डज नॉट इंश्योर एक्सेस टू DTC पास एंड अदर ट्रैवल कंसर्न्स। यहाँ पे बताया गया जो DTC बस रहने वाली है इनका जो पास होता है इसके लिए इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको दे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो डेडलाइंस रहेंगी ये इसकी ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल जाएंगी, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया, तो ये थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो कि आप सभी को देनी थी। रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं जो कोई भी आप सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इस साइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अपनी जो मेल आईडी उसके ऊपर टिक करनी होगी, आपका जो नेम है, इसके अलावा आपका हिंदी में नेम लिखना होगा, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है या अनदर है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, नेशनलिटी क्या है, आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कैटेगरी क्या है आपकी। कैटेगरी में यहाँ पे आपको SC ST OBC जो भी है यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। मदर नेम क्या है, मदर नेम हिंदी में लिखना है, मदर मोबाइल नंबर आपको देना है, इसके अलावा मदर का जो ईमेल एड्रेस ही आपको देना है, फादर नेम क्या है इंग्लिश में, फादर नेम हिंदी में, इसके अलावा जो फादर का मोबाइल नंबर ही आपको लिखना है, फादर जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना है, फैमिली इनकम क्या है, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके सबमिट करते जाना है जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इस तरह से आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।